दोस्तों काउंसलिंग और स्लाइडिंग के बारे में इस वीडियो में बहुत ही बड़ा अपडेट मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। दोस्तों इस बार एक तरह से समझिए कि बैड न्यूज़ समझिए या गुड न्यूज़ समझिए कि जिनका भी नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया है वो सेकेंड काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। मतलब किसी बच्चे को हैदराबाद में एडमिशन लेना था और उसका सिलेक्शन भोपाल में हुआ है तो वो सेकेंड काउंसलिंग में जा सकता था पिछले बार यानी 2019 में, लेकिन 2020 में जो एडमिशन हुआ है उस बार भी यही फार्मूला लगाया गया था जो इस बार लगाया जाएगा कि अगर आपका नाम फर्स्ट लिस्ट में आ गया है तो आप लोग सेकेंड काउंसलिंग के लिए नहीं जाएंगे। यानी फर्स्ट लिस्ट में अगर नाम आ गया है तो आप लोगों को काउंसलिंग करवाना है, एडमिशन लेना है और उसके बाद आप लोग स्लाइडिंग कर सकते हैं, सेकेंड काउंसलिंग के लिए आप लोग नहीं जा सकते हैं। और जिनका नाम सेकेंड लिस्ट में आ जाएगा वो थर्ड लिस्ट में काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सीधा सीधे उनको काउंसलिंग करवा के जहां उनको सेंटर अलॉट हुआ है वहीं एडमिशन लेना होगा और उसके बाद एडमिशन लेने के बाद स्लाइडिंग का ऑप्शन उनको दिया जाएगा। और अगर स्लाइड करना चाहते हैं जैसे कि भोपाल में हुआ है और हैदराबाद जाना चाहते हैं तो भोपाल में एडमिशन लेके वो हैदराबाद स्लाइडिंग के लिए कर सकते हैं अप्लाई, और अगर हैदराबाद में सीट बचा होगा तो उनका स्लाइडिंग हो जाएगा और उनको हैदराबाद में सीट अलॉट हो जाएगा। तो यही एक बिग न्यूज़ आप लोगों के लेके आया हूँ कि इसको बैड न्यूज़ समझिए या गुड न्यूज़ समझिए, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा यानी फ़ी पेमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। जहाँ भी सेंटर अलॉट हुआ है वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद स्लाइडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ अगर सेंटर बचा होगा, जैसे एग्जांपल मैंने बताया भोपाल अलॉट हुआ है, भोपाल में एडमिशन लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि हैदराबाद जाना चाहें तो हैदराबाद के लिए स्लाइडिंग कीजिए, स्लाइडिंग में अगर वहाँ सीट होगा तो आपको मिल जाएगा हैदराबाद, नहीं तो आपको भोपाल जाके ही अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा। तो इस बार जो भी बच्चे अपना सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं तो उनको ये रिस्क लेना पड़ेगा, फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही स्लाइडिंग वो भर सकते हैं। और स्लाइडिंग तभी होगा जब वहाँ सीट खाली रहेगा।